केक? सही है, सुबह सुबह केक खाने को मिल गया। ये रिंग यहाँ कहाँ से आई? यार ये रिंग गई कहाँ? वेटर, आपको यहाँ कोई रिंग मिली यहाँ केक के पास? आर यू श्योर यहाँ पे नहीं मिली आपको? शायद केक में होगी, मैं चेक करता हूँ। इसमें भी नहीं है, आखिर रिंग गई कहाँ पर? पता नहीं यार, क्या पता नहीं अब कहाँ होगी ये रिंग, मैंने केक में ही रखी थी। थैंक गॉड चला गया, अगर इसे पता लग जाता कि रिंग मेरे पास है तो ये कहीं मेरी कंप्लेंट ही ना कर देता। क्या करूं अब इस रिंग का? एक काम करती हूँ, रख ही लेती हूँ, वैसे भी देखने में बहुत महंगी लग रही है, मेरे बहुत काम आएगी। हिमांशी मेरी बात मानो, सच बोल रहा हूँ मैं रिंग लेके आया था, वो केक में ही थी रिंग। रिंग केक के अंदर थी ना, मुझे रिंग वहां मिली ना रिंग मेरे हाथ में, तो रिंग है कहाँ? भाई तो यार मैं खुद समझ नहीं पा रहा, मैं रिंग लेके आया था, मैंने केक में रखी थी, तेरी कहाँ चली गई? बट ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो सचिन, अगर तुम्हें मुझे प्रपोज करना ही नहीं था तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पहले ही मना कर देते ना, मैं समझ जाती कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। हिमांशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जानती हो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, आज प्रपोज भी करने वाला था पर एंड टाइम पर रिंग कहने, समझ नहीं आ रहा यार रिंग कहाँ गई। देखो सचिन, शायद जो तुम चाह रहे हो ना वो मैं समझ चुकी हूँ, तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों अलग हो जाए, तो ठीक है फिर आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने। हिमांशी तुम ये क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो? तुम प्लीज शांत रहो और मेरी बात सुनो, इधर आओ। डोंट टच मी सचिन। नहीं नहीं प्रीत, ये तू क्या कर रही है? अगर तूने उन्हें बता दिया कि ये रिंग तूने छुपाई है तो वो तुझ पे कहीं चोरी का इल्जाम ना लगा दे और फिर मेरी जॉब भी जा सकती है। नहीं नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। पर यार लड़ाई भी तो मेरी वजह से हुई है उनके बीच, कितने प्यार से वो रिंग लाए होंगे उनके लिए और वो दे भी नहीं पाए। काम करती हूँ, रिंग लौटा ही देती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, गलती भी तो मैंने ही करी है। अरे ये सर यहाँ, अच्छा हुआ यही मिल गए, वरना तो पता नहीं कहाँ ढूंढती फिरती इन्हें। एक काम करती हूँ, कल तो इन्हें रिंग नहीं दे पाई, आज दे ही देती हूँ। हे भगवान प्लीज बचा लेना। सर? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऑर्डर होगा तो मैं बुला लूंगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं ऑर्डर लेने के लिए नहीं आई, वो एक्चुअली मैं ये रिंग वापस करने आई थी आपको। ये रिंग तुम पे कैसे आई, ये कहीं गिरी हुई थी क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली ये रिंग मैंने चोरी करी थी। ये रिंग तुमने चुराई थी? सर वो एक्चुअली ये रिंग ना कल मुझे केक में मिली थी और इस रिंग को देख के मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, इसलिए मैंने आपको वापस नहीं करी। पर कल जब मैंने देखा कि इस रिंग की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ और मैंने सोचा कि मैं रिंग वापस कर दूं आपको, और मैं करने के लिए आई भी, बट तब तक आप जा चुके थे, आप मुझे मिले ही नहीं। पर सही हुआ आप आज यहाँ वापस आ गए और मैंने ये रिंग आपको लौटा दी। और रही बात मेरी, मुझसे तो गलती हुई है मैं मानती हूँ, तो आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर होगी, आप चाहे तो मेरी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको मैंने माफ किया। माफ किया?
बट सर मेरी वजह से आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई, इतनी बड़ी वो भी, और आपने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। हाँ मानता हूँ तुमने चोरी करी, तुमने गलती करी, पर कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस वही हुआ मेरे साथ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं कुछ समझी नहीं सर, मतलब समझाता हूँ। मुझे लगा था मेरी गलती है, मैं उसके पास जाऊँ, उसको सॉरी बोलूँ, उसको मनाऊँ, पर जब मैं वहां पहुंचा और जो मैंने वहां देखा वो देखकर मैं टूट गया। तो आखिरकार तुमने उसे छोड़ ही दिया? हाँ छोड़ना तो था ही वैसे भी उसे, और ऐसे छोड़ा है ना बेचारे को पूरी जिंदगी लगता रहेगा कि उसकी गलती थी ना कि मेरी। अच्छा, और मैं कल से गिल्ट में थी कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। हाँ वो तो है, पर इसी बहाने उस लड़की की असलियत मेरे सामने आ गई कि उसको मुझसे प्यार ही नहीं था, वो बस दिखावा कर रही थी, उसको प्यार भी बस दिखावटी सामान से था, इस रिंग से। तो अच्छा ही हुआ कि उसकी सच्चाई अभी सामने आ गई, वरना बाद में चलता मालूम तो और दुख होता। तो जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, एंड ऑल थैंक्स टू यू। तो मैंने आपकी गलती को माफ कर दिया और ना ही मैं आपकी कोई कंप्लेंट करूंगा, इट्स ओके। थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ।